तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अपनी मेमोरी एल्बम इवेंट के बारे में। तो जैसे अपनी फोर्थ अंदर इस इवेंट के अंदर आप आ जाओगे तो गाइस आपको जो है नीचे मेमोरी एल्बम का एक नया इवेंट देखने को मिलेगा। तो आपको इस इवेंट में क्या करना है, टोटल 15 कैरेक्टर के साथ आपको फोटो लेनी है। तो गाइस वो फोटो कहाँ पर लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, सजेस्ट करके भी दिखाने वाला। तो गाइस सिंपली आपको जो क्या करना है, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा जिससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। उसके बाद एक बंदे ने कमेंट किया था कि यहाँ पे जो अपने डेली मिशन के अंदर एक मिशन दिया हुआ है, टेक अ पिक्चर विद की एट द एनुअल पार्टी, तो ये मिशन को क्या करना पड़ेगा वो आपको इस वीडियो में समझा के बताने वाला हूं। तो सिंपली क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा जिससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। उससे पहले गाइस मेरे चैनल जो थोड़ी देर में डाउन चल रहा है, शायद इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपसे वो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। शायद अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फ्री फायर सारे अपकमिंग न्यूज और अपडेट वीडियो टूडेंट अपडेट जो मिलते रहेंगे। और याद से जो बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो अपने एनिवर्सरी इवेंट के अंदर आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओ तो आपको मेमोरी एल्बम वाले के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल 15 कैरेक्टर के साथ फोटो क्लिक करनी है। अभी वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपको इस कार्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो गो टू एनुअल पार्टी के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि नीचे येलो कलर का ऑप्शन आया था। फिर गाइस जैसे आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू मोड आएगा अपने हैप्पी बर्थडे फ्री फायर का, इसको कर देना स्टार्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको जो भी पूरा करना पड़ेगा। अभी आप लोग जो वीडियो के ध्यान से देख लो। तो आपको जो है जैसे आप इस मोड के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे लोग देख लो, यहाँ पे जो मैं एक न्यू लॉबी के अंदर आ चुका हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको जो कुछ कैरेक्टर के लोकेशन यहाँ पे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की गई, यहाँ पे लोग देख लो, यहाँ पे जो आप कुछ गेम्स वगैरह खेल सकते हो, डांस वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे लोग देख लो कुछ ये कुछ इस तरह से होने वाला है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लोग देख लो ये अपना हयातों, तो आपको सिंपली क्या करना है, हयातों के ऊपर यहाँ पे आसपास आ जाना है। फिर गाइस आपको जो एक यहाँ पे स्नैपशॉट करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, स्नैपशॉट के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे जो स्नैपशॉट का ऑप्शन आ चुका है, जैसे मैं उसको क्लिक कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ पे लोग देख लो यहाँ पे जो मेरे को फोटो खींचने का ऑप्शन आ चुका है। बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो अपना कैमरा का आइकन है उसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने जो हयातों के साथ फोटो खींच लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देख लो यहाँ पे इसको कर देना आपको कट, ठीक है। कट करने के बाद आपको जो और कैरेक्टर ढूंढने, जब देखो ऊपर जो अपना थेवा कैरेक्टर जो कि आपको फ्री मिलेगा, बस आपको सिंपल इसके पास आना है, इसके पास आके स्नैपशॉट पे क्लिक कर देना है, फोटो खींच लेना है, ठीक है। फिर गाइस आपको जो हर एक लॉबी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर मिलेगा या फिर आपको जो डेली यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर गाइस यहाँ पे रही अपनी कैपेला, कैपेला के पास में आ गया, फिर से स्नैपशॉट लिया, ठीक है। इसके साथ गाइस यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डन, ठीक है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको जो हर एक कैरेक्टर के साथ फोटो खींच लेना है। फिर अभी आप लोग देख लो यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, तो यहाँ पे देख लो अभी लॉरा कैरेक्टर है। अब गाइस अभी मैं आपको जो सारे कैरेक्टर नहीं करके बताऊंगा, बट आपको जो है हर बार लॉबी चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको जो हर बार न्यू कैरेक्टर आएगा या फिर आपको जो है रोज रोज यहाँ पे आना पड़ेगा आपको जो फोटो लेने के लिए, ठीक है। फिर कैसे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो सर्कल सा बना है इसके अंदर आ जाना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे लोग देख लो मैं इसके अंदर आ गया, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लोग देख लो यहाँ पे मिशा कैरेक्टर ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख लो मैं इसके पास आ गया, स्नैपशॉट लेने की ट्राई कर लिया, स्नैपशॉट भी ले लिया। बस आपको अभी सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है सेटिंग में जाके बैक, ठीक है, एग्जिट टू लॉबी। जैसे कि आप एग्जिट टू लॉबी कर दोगे तो आपको सिंपली अपने क्या करना है, फिर से एनिवर्सरी इवेंट के अंदर आ जाना है, ठीक है। एनिवर्सरी इवेंट के अंदर आप जैसे आ गए तो आपको जो अपने मेमोरी एल्बम के ऊपर आ जाना है। तो आप लोग देख लो जितने भी मैंने कैरेक्टर के साथ फोटो खींची थी, जिसमें कैपेला, लोरा और हयातो आ गया, और बाकी जो कैरेक्टर थे अपने दिमित्र और वो, आपको क्या करना है, फिर से उस इवेंट में जाना है और फिर से आपको फोटो खींचने, ऐसा आपको जो टोटल 15 बार करना है, ठीक है। फिर जैसे आपके टोटल 15 कैरेक्टर हो जाएंगे, फिर आप लोग जो है इस इवेंट को पूरा कर लोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, के साथ कैसे फोटो लेनी, तो जैसे मैंने आपको बोला आपको जो है फिर से उस मोड के अंदर जाना है, फिर से आपको जो के कैरेक्टर के साथ फोटो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा एनुअल, तो गाइस ये रहा अपना पूरा मेमोरी एल्बम इवेंट, जिसके अंदर मैंने आपको जो सारी चीज़ें बता रही कि कैसे आपको फोटो खींचना पड़ेगा और कौन से मोड के अंदर आपसे कुछ जाना पड़ेगा। आई होप आपको आज वीडियो पसंद आ चुकी है, वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।